भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति भजन सागर। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। श्री स्कंद माता, आइए सज्जनों, श्री स्कंद माता की कथा शुरू करें। पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्त के नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अवहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। श्री स्कंद मातृत्व स्वरूपिणी देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर होता रहता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। श्री स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त होती है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक पर व्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को
पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। जय मां स्कंद माता की जय।